नमस्कार दोस्तों, इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 का जो पेपर हुआ है उसकी आंसर की के बारे में, और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर रीट लगकर ये क्वेश्चन डिलीट होने की पूरी पूरी संभावना है। तो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प अनुचित है? तो इसका आंसर जो आंसर होगा वो होगा तेजस्वी। तेजस्वी का निस्तेज होता है, यहाँ पर यशस्वी लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्याय नहीं है? इसमें दिया गया है किस विकल्प के परस्पर सभी शब्द पर्याय नहीं है, तो ये जो दिया गया है इसके अंदर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कि धनुष, कोदंड और उरक। उरक का मतलब होता है सांप, उरक का मतलब सांप होता है, तो इस हिसाब से ये बिल्कुल इसके पर्याय नहीं है, इसके अंदर यही आएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न दिया गया है कि असंगत सामासिक युग्म का चयन करना है, ठीक है, असंगत सामासिक का चयन करना है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है आपका रुद्रप्रिया, ऑप्शन नंबर बी है भक्षाभय, ऑप्शन नंबर सी नवयुवक और ऑप्शन नंबर डी है यथाविधि। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कि यथाविधि ये तत्पुरुष समास का नहीं होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, प्रत्यय से निर्मित शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प का चयन करना है, कि प्रत्येक से निर्मित शब्द के संदर्भ में कौन सा असंगत है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, मेधावी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द मछली के पर्याय हैं? यहाँ पर पूछा गया है किस विकल्प के सभी शब्द मछली के पर्याय हैं, तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें बी आएगा शल्की, कामध्वज और कंटकी, ये इसके सभी पर्याय हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है जो एक लोकोक्ति है, पूछा गया है कि अर्थ की दृष्टि से कौन सी लोकोक्ति असंगत है? तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर डी वाला हो जाएगा, टके की चटाई नौ टका विदाई, धैर्य ने रखना, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जो बोलने में बहुत चतुर हो उक्त वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द कौन सा होगा? तो जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि वाकपटू, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला वाकपटू। बातूनी यहाँ पर नहीं होगा, बातूनी का मतलब होता है बहुत बोलने वाला, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है जो बोलने में चतुर हो, चतुर के लिए क्या आ जाएगा? चतुर के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका वाकपटू, जिसने सेवन वाले ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए आंसर दिया, बिल्कुल सही जवाब है उसका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि हिंदी का जो पेपर था वो बहुत टफ था, तो बच्चों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं जाएगी इस बार। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न दिया गया है, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प का चयन करना है आपको, निम्न में से कौन सा असंगत विकल्प होगा? तो इसके अंदर जो आंसर है वो आंसर क्या हो जाएगा? चरिष्णु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा चरिष्णु नहीं होता है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल असंगत है, ठीक है, ये बिल्कुल असंगत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, निम्न विकल्प का प्रशासनिक शब्द अपने अर्थ से सुमेलित कीजिए, ऑप्शन नंबर ए है ऑटोनोमस, बी है इनसाइट, सी है अप्रूवल और डी है कैंटोनमेंट। तो देखो, कैंटोनमेंट का मतलब तो होता है छावनी, और ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वायत्त, और अप्रूवल का मतलब होता है अनुमोदन करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इनसाइट, इनसाइट का मतलब तटस्थता नहीं होता है, तो यहाँ पर अर्थ सुमेलित नहीं है पूछा गया था, तो तटस्थता वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये असुमेलित है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब अशुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए वाला इसका अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य क्यों है? क्योंकि इसके अंदर पूछा गया है, इसके अंदर दिया गया है यह काम कोई वकील से ही हो सकता है, जबकि यहाँ आएगा यह काम वकील से ही हो सकता है, ठीक है, तो ये इसका अशुद्ध शब्द है। तो इसके जो क्वेश्चन नंबर 10th है उसके अंदर जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, किस विकल्प का शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? तो यहाँ पर जो सरोजनी है, सरोजनी ये एक अशुद्ध शब्द है, जो सरोजनी होता है ये सरोजनी नहीं होता है, सरोजिनी होता है, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो जिसने सरोजनी किया है उसका सबका सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, किस विकल्प के शब्द का संधि विच्छेद असंगत है?
यहाँ पर पूछा गया असंगत कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ऑप्शन नंबर डी जिसने किया है, अन्यतर बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया है निम्न में से शब्द शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो शब्द शुद्ध कौन सा, शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, शुद्ध शब्द जो है वो शब्द शुद्ध शब्द हो जाएगा रित्य अनुसार, शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द है रित्य अनुसार, रित्य अनुसार यहाँ पर बिल्कुल शब्द शुद्ध है और बाकी तीनों जो शब्द हैं वो अशुद्ध लिखे हुए हैं। अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है किस विकल्प के समस्त पद का समास विग्रह असंगत है। यहाँ पर असंगत पूछा गया है, संगत नहीं है, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चंस का वो ऐसे ही चल रहा है, वो संगत नहीं पूछता है या है नहीं पूछता है, वो पूछता है नहीं है, कौन सा नहीं है या कौन सा असंगत है, ऐसे ही प्रश्न पूछता है। तो इसका जो आंसर होगा कि किस विकल्प के समस्त पद का समास विग्रह असंगत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, देशभक्ति, देश की भक्ति नहीं होता, देशभक्ति होता है देश के लिए भक्ति। ठीक है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न है किस विकल्प के शब्द युग्म का अर्थ जो है वो असंगत है। यहाँ पर शब्द युग्म का असंगत अर्थ पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अभी तक जो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं वो इसको डी को ही आंसर मान रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो ये आपाद है, आपाद का मतलब होता है आपाद यानी पैरों तक, आपाद का मतलब होता है पैरों तक, तो ये भी इसका राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि इसमें भी आपात का मतलब क्या है, आपात का मतलब यहाँ पर संकट दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर आपात का मतलब क्या होता है, पैरों का, आपात का मतलब होता है पैरों तक, तो ये शब्द भी हो सकता है कि ये प्रश्न आपका हिंदी के अंदर डिलीट हो सकता है, पूरी पूरी संभावना है, लेकिन अब बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या निर्णय लेते हैं। ठीक है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हालांकि जो आपका हिंदी का पेपर था वो बहुत ही ज़्यादा टफ था, हिंदी का पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया था, तो हो सकता है कि आपकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं जाएगी। अब बात करते हैं जीके के क्वेश्चंस की, तो जीके में देखिए क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया है श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार हैं, तो किसके हैं, पटचित्रण के हैं, श्रीलाल जोशी जो हैं भीलवाड़ा का जोशी परिवार जो है वो किसके लिए जाना जाता है, वो पटचित्रण के लिए जाना जाता है। ठीक है भीलवाड़ा का जोशी परिवार किसके लिए जाना जाता है, पटचित्रण के लिए जाना जाता है। ठीक है अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न पूछा गया है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है बड़ला सोलर पार्क अवस्थित है, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि बड़ला या बड़ला सोलर पार्क कहाँ पर अवस्थित है, तो बड़ला जो सोलर पार्क है वो कहाँ पर है, वो जोधपुर में, कहाँ पर है, जोधपुर में है, और ये सोलर पार्क से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये अपन ये मान सकते हैं कि हालांकि ये बेसिक राजस्थान जीके का है, लेकिन ये भी हो सकता है कि इसको आउट ऑफ सिलेबस माना जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया है, देखिए क्या है, अगला प्रश्न है पोथीखाना कहाँ पर है, तो पोथीखाना संग्रहालय जो वो कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस शहर में सवाई जयसिंह सेकंड ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आगरा, आगरा के अंदर वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो रावण हत्ता तत्वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र का मतलब होता है जिसके अंदर तारों के द्वारा ध्वनि को क्या किया जाता है, तारों के द्वारा ध्वनि को उत्पन्न किया जाता है, वो तत्वाद्य यंत्र होते हैं। ठीक है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या है, कामायचा है, कामायचा क्या है, कामायचा एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है वर्टिसोल मृदा किन जिलों में पाई जाती है, तो वर्टिसोल का मतलब क्या होता है, वर्टिसोल का मतलब होता है काली मृदाएं, तो काली मृदाएं कहाँ पर पाई जाती है, काली मृदाएं पाई जाती है कोटा संभाग के अंदर, कहाँ पर पाई जाती है, कोटा संभाग के अंदर पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया है राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को, कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। ठीक है राइट आंसर क्या हो जाएगा, डूंगरपुर के अंदर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति रहती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उदयपुर के अंदर रहती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ये प्रश्न लगभग हर एग्जाम में आता है, प्रश्न पूछा गया है शीतकालीन वर्षा मावठ कैसे होती है, तो मावठ कैसे होती है, दक्षिण पश्चिम विक्षोभ के कारण होती है, कैसे होती है, दक्षिण पश्चिम विक्षोभ के कारण मावठ वर्षा होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं,
देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया है राजस्थान में उत्कात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती। उत्कात का मतलब होता है जो उबड़ खाबड़ भूमि होती है उसको उत्कात भूमि कहते हैं। तो उत्कात भूमि कहाँ पर होगी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नदियाँ बहेगी वो नदियाँ ही उत्कात भूमि का निर्माण करेगी। तो उत्कात भूमि सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, उत्कात भूमि सबसे ज़्यादा पाई जाती है कोटा और बूंदी में। जहाँ पर कौन सी नदी बहती है, जहाँ पर चंबल नदी बहती है, तो चंबल नदी जहाँ पर बहती है वहाँ पर उत्कात भूमि पाई जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, ये बिल्कुल करंट जीके का था क्वेश्चन, हालांकि इसको आउट ऑफ सिलेबस भी माना जा सकता है, लेकिन अब बोर्ड पर डिपेंड करता है वो क्या मानता है। तो प्रश्न पूछा गया है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीके व्यास। जीके व्यास जो है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अभी हाल ही में हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बात बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया है हल्दीघाटी। हल्दीघाटी का युद्ध सबको पता है 1576 में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, ये भी करंट जीके का है। प्रश्न पूछा गया है हाल ही में राजस्थान के किस वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य। इसका क्या आ जाएगा, रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य को क्या किया गया है, रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य को राजस्थान का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि जीके का जो पेपर था वो ठीक था, लेकिन हिंदी का पेपर जो था वो थोड़ा टफ था। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न पूछा गया है बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता हैं। बाता की फुलवारी पुस्तक किसने लिखी थी, विजयदान देथा ने लिखी थी बाता की फुलवारी, और अलेक्की हिटलर इन्होंने विजयदान देथा ने ही लिखी थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया है थोड़ा ये बहुत ही टफ क्वेश्चन था। पूछा गया है कि झालरापाटन का सूर्य मंदिर किसने निर्माण कराया था। झालरापाटन का जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण करवाया था नागभट्ट ने। ठीक है, आप प्रश्नों को अपने पेपर के साथ मैच करते जाइए कि जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ लगभग वही हैं, लगभग 98% के समथिंग वही आंसर माने जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है जाजम या आजम प्रिंटर जो हैं वो कहाँ पर हैं या कहाँ की प्रसिद्ध हैं। तो जाजम या आजम प्रिंटर जो हैं वो चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ध्यान रखना जाजम या आजम प्रिंटर चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया है देखिए स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे। तो जो सागरमल गोपा थे वो कहाँ के निवासी थे, जैसलमेर के निवासी थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है जैसलमेर का गुंडा राज, ये भी बहुत फेमस बुक है, जैसलमेर का गुंडा राज इन्होंने लिखी थी, ध्यान रखना। तो ये अब आगे वापस से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, पूछा गया है बेसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य का जो पठार होता है वो क्या कहलाता है, ऊपरमाल का पठार कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊपरमाल का पठार कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेसा पठार पर क्या बना हुआ है, मेसा पठार पर आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। ठीक है, मेसा पठार पर आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस से रिपीट हो सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया है मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित किया जाता है। तो मल्लीनाथ पशु मेला जो है वो चैत्र माह में आयोजित किया जाता है। कब आयोजित किया जाता है, चैत्र माह में आयोजित किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, राजस्थान में मक्का उत्पादक जिले कौन से। तो राजस्थान के अंदर मक्का उत्पादक जिले हैं भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं। तो मानगढ़ बांसवाड़ा जो वाला मानगढ़ बांसवाड़ा के अंदर एक जगह है, वहाँ पर कुछ किसान और कुछ आदिवासी समाज के लोग जो हैं वो एक अपनी सभा कर रहे थे, और तभी वहाँ पर अंग्रेज़ों ने गोली चलाई थी, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं, इसलिए इसको जलियांवाला बाग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो राजस्थान का जलियांवाला बाग जो है वो कहाँ पर है, मानगढ़ बांसवाड़ा के अंदर है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, घोसुंडी का शिलालेख कहाँ पर है। तो जो घोसुंडी का शिलालेख है वो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। घोसुंडी शिलालेख कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि राम सनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है। तो राम सनेही संप्रदाय जो है उसकी लगभग, वैसे तो उसकी चार पीठ हैं, कितनी है टोटल, चार हैं, चार मानी जाती है, लेकिन जो यहाँ पर पूछा गया है वो प्रमुख पीठ पूछा गया है। तो प्रमुख पीठ कहाँ पर है, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो पहला स्पाइस पार्क है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? जोधपुर के अंदर स्थापित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, अब यहाँ से एग्रीकल्चर स्टार्ट होने वाली है। प्रश्न पूछा गया है पंजाब छुआरा किसकी वेरायटी है? तो टमाटर की वेरायटी है पंजाब छुआरा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा गया है कैमल क्रॉप किसे कहते हैं? तो कैमल क्रॉप किसे कहते हैं? कैमल क्रॉप के नाम से आपकी मक्का की फसल को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से बासमती गुणवत्ता वाली चावल की संकर किस्म कौन सी है? तो बासमती गुणवत्ता वाली चावल की संकर किस्म है पूसा बासमती एक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है रेशो का राजा किसे कहते हैं? तो रेशो का राजा कुछ बुक्स में कपास को भी दिया गया है, लेकिन जो रेशो का राजा होता है वो जूट को बोला जाता है। ठीक है, रेशो का राजा किसको बोला जाता है? रेशो का राजा जूट को कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, देखिए यहाँ से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। पिछली बार क्ले का पूछा गया था, इस बार सिल्ट का पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सिल्ट कणों का व्यास क्या हो जाएगा? 0.02 से 0.002 होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न पूछा गया है भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 में यहाँ पर मुख्यालय के साथ की गई थी। तो 1875 के अंदर कलकत्ता के अंदर की गई थी, पुणे के अंदर नहीं की गई थी। ध्यान रखना 1875 में कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। ध्यान रखना पहले कलकत्ता में था, फिर बाद में इसको पुणे में, और अभी वर्तमान में नई दिल्ली में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो का वानस्पतिक नाम सब लोग जानते हो, होडियम वल्गैर इसको बोला जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है किस प्रकार के मृदा अपरदन में मृदा के जो मैट्रिक्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं लेकिन लंबी अवधि के बाद पता चलता है? इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा अपरदन है जिसके अंदर हमें अपरदन दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा परत अपरदन, क्योंकि परत अपरदन में क्या होता है कि जो हमारा खेत होता है उसकी ऊपरी जो परत होती है वो क्या हो जाती है, वो पानी के साथ बहकर चली जाती है, लेकिन ऊपरी परत में ही क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, और वो पोषक तत्व क्या कर देते हैं, उर्वरता जो होती है उस उर्वरता को नष्ट करते देते हैं, धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं, और ये बहुत ही बाद में हमें पता चलता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, परत अपरदन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अनाज की फसल में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की मात्रा सबसे कम होती है? ठीक है, तो सब लोगों ने पढ़ा है मक्का जो होता है, मक्का के अंदर लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की मात्रा कम होती है, इसीलिए QPM का निर्माण किया गया है। QPM का मतलब क्या होता है, क्वालिटी प्रोटीन मक्का का निर्माण किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भरतपुर व करौली जिले जो है राजस्थान के कौन से जलवायु खंड में आते हैं? आप सब लोगों को पता है जलवायु खंड को राजस्थान को 10 भागों में बांटा गया है, उसमें से जो थर्ड बी है, थर्ड बी के अंदर क्या आता है, भरतपुर और आपका करौली आता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अंधी गुड़ाई किसमें करते हैं? तो अंधी गुड़ाई जो है वो किसमें की जाती है, गन्ना में की जाती है। गन्ना के अलावा और किसमें की जाती है, आलू के अंदर भी अंधी गुड़ाई की जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया है राष्ट्रीय कृषि बाजार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिसका शुभारंभ कब हुआ था? देखिए ये जो प्रश्न है, ये हालांकि इस प्रश्न के ऊपर हम कह सकते हैं कि ये एक नया प्रश्न है या ये एक करंट प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि ये अभी हाल ही में शुरू हुआ है, तो बिल्कुल इसको अपन ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक नया प्रश्न है या करंट का प्रश्न पूछा गया है, तो हो सकता है कि इसके भी हटने की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो हालांकि अभी इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 14 अप्रैल 2016 को। ठीक है, 14 अप्रैल 2016 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आधार बीज जो होता है, सब लोगों को पता है आधार बीज पर सफ़ेद टैग लगा होता है और जो प्रमाणित बीज होता है उस पर नीला टैग लगा होता है। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी सफ़ेद। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने केंद्रीय कृषि अभियंत्रिकी संस्थान की स्थापना कहाँ पर की? तो केंद्रीय कृषि अभियंत्रिकी संस्थान कहाँ पर है, भोपाल में, और भोपाल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला प्रश्न था और पूछा गया है इसमें कि 10 हेक्टर के लिए अगर 150 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से आप नाइट्रोजन देना चाहते हो तो कितने किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3255 किलोग्राम। ठीक है, कितने, 3255 किलोग्राम इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा बाजरा पर एक परजीवी खरपतवार है? ठीक है, तो आप लोगों को मैंने एक बार क्लास में बताया था
कि जो ओरोबैंकी होता है वो तो सोलानेसी कुल का होता है, और लॉरेन्थस होता है वो आम चाय और उसके अंदर प्लांटेशन क्रॉप के अंदर होता है। तो जो स्ट्राइगा होता है वो किस में होता है, ज्वार बाजरा गन्ना इनके अंदर होता है। ठीक है, तो ज्वार बाजरा गन्ना मक्का के अंदर क्या होता है, स्ट्राइगा होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न देखिए। इससे रिलेटेड एक प्रश्न जेट के अंदर भी आया था, जेट 2021 के अंदर भी इससे रिलेटेड प्रश्न आया था। ठीक है, उसके अंदर सिद्धांत पूछा गया था, इसके अंदर पूछा गया ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द जो है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया गया था, किसने किया था, तो किसने किया था, वाल्टर जेम्स लॉर्ड नॉर्थबॉर्न ने किया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि जो एग्रीकल्चर का पेपर है वो हर बार थोड़ा इसी टाइप का आता है कि समझ में नहीं आता ये इसको इजी कहें या हार्ड कहें या पता नहीं क्या कहें। अगला प्रश्न देखिए क्या है, यह है वाष्पीकरण में प्रयुक्त पानी की प्रति इकाई उत्पादित विपणन योग्य फसल की उपज को कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल उपयोग दक्षता। ठीक है, इसको बोलते हैं वाटर यूज इफिशियंसी, इसको बोला जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट था ये। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है हिसार सुगंध जो है वो किसकी वैरायटी है। तो हिसार सुगंध सबको पता है, हिसार सुगंध किसकी वैरायटी है, धनिए की वैरायटी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि एक मृदा जिसका स्थूल घनत्व 1.5 ग्राम है और जिसका कण घनत्व 2.65 ग्राम है, तो इसके रंध्रावकाश की प्रतिशतता क्या होगी। तो जो रंध्रावकाश की प्रतिशतता है वो लगभग 43 के समथिंग आएगी, 43 के नज़दीक 42 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 42। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि वाइटिस विनिफेरा किसको कहते हैं। तो वाइटिस विनिफेरा जो वैज्ञानिक नाम है वो अंगूर का है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, शुगर बेबी किसकी वैरायटी। तो शुगर बेबी जो है वो किसकी वैरायटी है, शुगर बेबी तरबूज की वैरायटी है जिसके अंदर 13% क्या पाई जाती है, शर्करा पाई जाती है। ये एक अमेरिकन वैरायटी है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि जिब्रेलिन की खोज किसने की थी। जो जिब्रेलिन की खोज की थी वो किसने की थी, कुर्सोवो ने की थी, कुर्सोवो ने की थी। और जिब्रेलिन को बनाते हैं जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक। ठीक है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक के द्वारा इसको बनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न है कि सिंचाई की यह प्रणाली, सिंचाई की ऐसी कौन सी प्रणाली है जिसमें उपयोग की जो दक्षता होती है वो पानी की आपूर्ति के बराबर होती है। ठीक है, इसका मतलब इस प्रश्न में ये कहना चाह रहा है कि जितना हम पानी देते हैं पौधों को लगभग उसका अधिक से अधिक पानी उसका यूज़ कर लिया जाता है। तो यानी कि जिस सिंचाई विधि की दक्षता सबसे ज़्यादा होगी वही इसके अंदर आएगी। तो आप सब लोगों को पता है कि बूंद बूंद सिंचाई विधि जो होती है उसकी सिंचाई दक्षता क्या है, लगभग 95% के समथिंग होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है लिकोरिस को किस नाम से जाना जाता है। जो लिकोरिस है वो किस नाम से जाने जाते हैं, मुलेठी जो होती है मुलेठी को लिकोरिस के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जेम में टीएसएस कितना होता है। तो जेम के अंदर जो टीएसएस होता है वो कितने प्रतिशत होता है, 68% होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि यह फल भारत के लिए स्वदेशी, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन से फल का उत्पत्ति स्थान भारत है। तो बेर का जो है वो उत्पत्ति स्थान क्या है, भारत है। हालांकि कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनको बुक बनाना नहीं आता है और वो बुक छाप देते हैं और उसमें लिख दिया उसमें एंडो चाइना, तो बहुत सारे स्टूडेंट का गलत भी हो गया इसमें कि एंडो चाइना माने या चाइना माने, ठीक है, या इसका भारत माने। ठीक है, क्योंकि इसमें लास्ट लास्ट ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है यह एक प्रणालीगत कीटनाशी है। तो इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा आपका डाइमिथोएट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है यह पौधों की संदाई की एक कला है जिसमें पौधों को जानवरों पंछियों या डोम जैसी सजावट आकार दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टोपियरी। ठीक है, परगोला नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गोदाती रोग किसका है। गोदाती रोग किस फल से संबंधित है। जो गोदाती रोग है वो किससे संबंधित है, नींबू वर्गीय फल से संबंधित है गोदाती रोग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि आमतौर पर आपकी जो जेली बनाते हैं जेली के अंदर पेक्टिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो 0.5 से 1% पेक्टिन की मात्रा होनी चाहिए। हालांकि एक फिक्स 1% पेक्टिन की मात्रा पूछी गई है, दी गई है उसके अंदर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखिए, इसको चाइनीज लेयरिंग या पोर्ट लेयरिंग या मार्कोटेज या गुट्टी दाब के नाम से भी जाना जाता है। जो एयर लेयरिंग होती है, एयर लेयरिंग के ये नाम है, चाइनीज लेयरिंग भी बोलते हैं, पोर्ट लेयरिंग भी बोलते हैं, और इसको मार्कोटेज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसको गुट्टी के नाम से भी जाना जाता है, इसके अलग अलग नाम हैं। अधिकतर जो एयर लेयरिंग है वो अनार के अंदर भी की जाती है, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 81 क्वेश्चन पूछा गया है खीस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो गलत हो जाएगा कि खीस
नवजात बछड़े को खींच कितने 20% नहीं लगभग उसके शरीर भार का 10% दिया जाता है, ठीक है, उसके शरीर भार का 10% खींच पिलाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि गाय के होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल का उत्पत्ति स्थान क्या है, तो इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, हॉलैंड है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि मेमनों की पूंछ काटने की क्रिया क्या कहलाती है, तो मेमनों की पूंछ काटने की क्रिया क्या कहलाती है, डॉकिंग कहलाती है, और ये लगभग 3 से 4 सप्ताह बाद में करते हैं इसको, और ये भेड़ों के अंदर की जाती है, किसमें की जाती है, भेड़ों के अंदर की जाती है। ये अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित दवा में से कौन सी जानवरों में इस्तेमाल होने वाली कृमिनाशक दवा है, तो अब यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर अभी माना गया है वो माना गया है आइवरमेक्टिन, ठीक है, आइवरमेक्टिन इसके अंदर आंसर आएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है खुरपका मुंहपका रोग किससे होता है, तो खुरपका मुंहपका रोग क्या है, एक प्रकार का ससर्ग रोग है। ससर्ग रोग का मतलब होता है छूत से फैलने वाला रोग, छूने से फैलने वाला रोग, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यदि CLR 28 है तो दूध का विशिष्ट गुरुत्व कितना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.028, ठीक है, 1.028 जिन्होंने सही किया है उनका आंसर सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पशुओं में विरेचक के रूप में किया जाता है, तो पशुओं में विरेचक के रूप में अरंडी का भी किया जाता है और मैग्नीशियम सल्फेट का भी किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन डी जो दिया गया है वो उपरोक्त सभी दिया गया है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वैसे अरंडी होगा, लेकिन मैग्नीशियम भी दिया गया है इसके अंदर, तो हो सकता है कि ये प्रश्न डिलीट हो सकता है, पूरी पूरी संभावना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका बकरी की विदेशी नस्ल कौन सी है, तो देखो बकरी की जो विदेशी नस्ल है वो टोगनबर्ग है। अब बारबरी आप सब लोगों को पता है, बारबरी का उत्पत्ति स्थान क्या है, बारबरी का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है, तो हो सकता है कि ये प्रश्न भी आपका डिलीट हो सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न पूछा गया है कि ऊँट के मुंह में कितने दांत होते हैं, तो ऊँट के मुंह में दांत होते हैं 34, कितने दांत होते हैं, लगभग 34 दांत होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि तांबे के जैसा रंग कौन सी भैंस का होता है, तो जो बदावरी होती है उसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, तांबे के जैसा होता है, और जो ब्लैक कलर होता है, जो ब्लैक जेंट कलर होता है वो किसका होता है, वो मुर्रा का होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, भारत में पाई जाने वाली ऊँट की कुबड़युक्त अरेबियन प्रजाति का मतलब ये है, अरेबियन ऊँट जो है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो जो अरेबियन ऊँट होता है उसको ड्रोमेडेरी के नाम से जाना जाता है, और जो दो कुबड़ वाले होते हैं और जो आपके दो कुबड़ वाले होते हैं और जो लद्दाख वाले ऊँट होते हैं उसको बैक्ट्रीनियस ऊँट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न पूछा गया है गर्भर टेस्ट का उपयोग किया जाता है, सब लोगों को बताया गर्भर टेस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, दूध में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, ठीक है, इसको 1000 RPM के हिसाब से इसको क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया है कि केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो सब लोगों को पता है अंबिकानगर में है, इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊनी भेड़ कौन सी है, तो देखो जो मेरिनो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन जो रेम्बोलिएट है उसी को मेरिनो के नाम से भी जाना जाता है, तो हो सकता है कि इस प्रश्न के ऊपर भी रेट लगकर हट सकता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, हसी के आकार के सींग किसके होते हैं, तो हसी के आकार के सींग किसके होते हैं, सूरती भैंस के हसी के आकार के सींग होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, हमारा 96 वाला प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया है कि हीफर को कहा जाता है, प्रश्न क्या पूछा गया है, हीफर को क्या कहा जाता है, नर युवा बैल, पहले प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी, पहले स्तनपान के बाद, या वयस्क मवेशी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है, पहले प्रसव से पहले युवा मादा, जो युवा मादा होती है उसको हीफर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका नवीनतम पशुधन गणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों में बकरी की आबादी में राजस्थान का कौन सा स्थान, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, बकरियां पाई जाती हैं, यानी कि बकरी की आबादी या जनसंख्या में सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा राजस्थान का फर्स्ट स्थान है, ठीक है, मतलब पहला स्थान है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न है केंद्रीय भेड़ में ऊन अनुसंधान संस्थान, हालांकि ये मैंने बता दिया, अच्छा मैंने ये आपको नहीं बताया था, ये प्रश्न नहीं बताया था मैंने आपको, ठीक है, नवीनतम पशुगणना वाला, और ये मैंने नहीं बताया था हीफर वाला, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो ये बताइए, ये हीफर वाला बता दिया मैंने आपको, इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नवीनतम पशुगणना के आधार पर
कौन सा हो जाएगा? नवीनतम पशुगणना के आधार पर बकरी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न है आपका कि किस रोग को न्यूकैसल डिजीज़ के नाम से जाना जाता है, किस रोग को न्यूकैसल डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। तो आप सब लोगों को बताया जो रानीखेत है, रानीखेत को न्यूकैसल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कपरा इरकस किसको बोलते हैं। तो आप सब लोगों को बताया कपरा इरकस किसको बोला जाता है, बकरी को बोला जाता है। कपरा इरकस किसको बोलते हैं, बकरी को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है निम्न में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान के मेरीनो कहते हैं। तो आप सब लोगों को पता है राजस्थान के मेरीनो किसको कहते हैं, राजस्थान के मेरीनो चोकला को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, राजस्थान के मेरीनो चोकला नस्ल को कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो आपके आंसर की थी, ये आंसर की मैंने बताई, हो सकता है इसमें से मैंने बताया आपको जो क्वेश्चन डिलीट होंगे, हालांकि डिलीट होने की संभावना जो है पूरी पूरी है, बाकी हम बोर्ड का जो भी निर्णय रहता है उसके आधार पर चलेंगे, लेकिन हाँ लगभग संभावना ये है कि डिलीट होने की संभावना पूरी पूरी है, ठीक है। और ये आपको वीडियो कैसा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। और बाकी एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र से रिलेटेड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी सुपरवाइज़र या और दूसरी जो वैकेंसी या जो भर्ती आती है उन सभी की जानकारी मैं इस चैनल पर देता रहता हूँ। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।